अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इफ़ का चैनल। सो आज ईद के चौथे पांचवे दिन मेरे को जोश आया व्लॉगिंग करने का। सॉरी, मैंने बस ईद का व्लॉग बनाई, उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाई क्योंकि मैं इतना थक गई थी। और फिर मम्मी के यहाँ जाना, फिर मेरी बहन आई हुई थी, वो सब में मतलब बहुत मेरे को मतलब मन ही नहीं किया वीडियो एंड व्लॉगिंग करने का। तो इसके लिए तो आज है सैटरडे, और ये देखो ये रमज़ान में जो भजिया अजिए तल तल के खाए ना, उसका अब निकल रही है। मुझे ताज़ा ताज़ा पिंपल निकला है, और ये मुझे मतलब थोड़ा सा कुछ हुआ था तो मैंने ना इसको नाखून लगा लगा के इसके साथ ऐसा कर दी। और ये मेरा भी हुलिया है फ़िलहाल। और आज है मेरे कज़िन की शादी, मेरे खाला के बेटे की शादी है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। वहाँ जाने के लिए मैं रेडी हो रही हूँ, और ये रहे अरीबा और इमाद, वो लोग भी रेडी हो रहे हैं। तो मैंने सोची कि खोल, तो फिर मैंने बोली कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ, फिर देखते हैं कितना वीडियो बन पाता है शादी में, नहीं बन पाता है क्योंकि सब बहुत सारे रिलेटिव्स, अम्मू बात करने दो ना बेटा, बहुत सारे रिलेटिव्स एंड ऑल सब मिलेंगे, तो बना पाई तो ठीक है। वहाँ से मेरी बहन भी आएगी, मम्मी भी जा रहे हैं साथ में, तो हम लोग ट्रेन से जाएंगे। और फिर 9 तारीख को रिसेप्शन है, तो वहाँ पे भी जाऊँगी इंशाल्लाह। तो बस अभी उसके लिए ड्रेस एंड ऑल निकाल के रख दी हूँ, तो मेरा जो ड्रेस है वो मैं पहनूँगी, वो आप लोग को वहीं पे मैं दिखाऊँगी। तो अभी बस मैं रेडी हो रही हूँ सब अच्छे से, अब देखते हैं। ये मेरे बस ये मेरा पिंपल सारा लुक ख़राब कर रहा है, मतलब पूरा महीना सब अच्छा रहता है, कुछ भी नहीं होता है, जब कहीं जाना नहीं होता है, और जब कहीं जाना होगा पिंपल आ जाएगा। और चलो ये अच्छी बात है कि मेरी मेहंदी है तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना, शादी में मेहंदी अच्छी लगती है। तो बस पिंपल को कोशिश करूँगी मेकअप से छुपाने की, छुप जाए तो ठीक है, नहीं छुपे तो भी चलता है। तो चलिए मेरे व्लॉग में बने रहिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। पहुंच गए शादी के हॉल में, ये फाइनली, तो पूरा खाली है। इतनी गर्मी हो रही है यार, हम हो तो बोले, हम हो तो भगा दे। अरीबा नेम ए हाथ निकाह होने जा रहा है। आयो मेरे डाटे यार बाकी ना जमिया खिलाने ले जाने उसमें रबर भी लगाई है, उसमें पक्चर भी घुसाई है। इसका नाम क्या है? बनाई थी। उठाओ अपना हेयरबैंड उठाओ, चलिए मम्मी के पास जाइए। अब फिर चलिए उधर से ले लो। Oh my god.
वालेकुम सलाम। परीबा आ रही है, वो सीट नहीं छोड़ रही है। देखना देखना कैसा बैठी है। फोटो सेशन हो रहा है। अरे वो फोटो सेशन हो रहा है। ये बड़ा फनी लगता है। हाँ नहीं, हम अपने से पोज दे रहे हैं, वो क्यों बताते हैं? हमको भी आता है ऐसा करो, वही गुस्सा लगती है। उसको करने दो ना जैसा करना है। बोले ना दो तीन ही फोटो है, दुल्हन थक गई। कुछ आ ही नहीं रहा है दुपट्टे की वजह से। नुसरत खाने के इंतजार में है। अरे खाना खा लो। अब मेकअप सब पिघलना चालू हो गया है गर्मी से। खाने का है देखो, चिकन है, कटलेट है, खाएंगे। घर पे खाना नहीं है। हाँ चलो जूस पिए ना, अभी खाना खाएंगे। हाँ और मम्मा के साथ बताओ ना, एक चम्मच चखाओ कैसा है। क्या है ये? वनीला। और तो घर पे ऐसी दिवासी को ना वीडियो वीडियो नहीं बनाई, मन नहीं कर रहा था, थक गई थी कभी। तो अभी बना रही है, तो व्लॉगिंग तो करना पड़ता है ना। तो घुस रही है अभी खाने के इंतजार में लोग खड़े। हाँ तो अब बैठी हूँ, खाली तो है। मुझू बैठ गए, आपको सीट मिल गई। खा पी के अब निकल रहे हैं सब। सब अम्मी अब्बा मेरी बहन सब जा रहे हैं। वाह अम्मू बलून का डंडा ले। अपने लिए भी रोको, ये सब तब तो आए थे चलना नचा दिए थे वो लोग।